नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बीए पार्ट सेकंड का जो सिलेबस है उसकी फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रूरल सेटलमेंट क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रूरल सेटलमेंट के जो प्रकार हैं और जो है उनके पैटर्न या प्रतिरूपों के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब जो सेटलमेंट का जो दूसरा प्रकार है, अर्बन सेटलमेंट के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। अर्बन सेटलमेंट क्या होता है और अर्बन सेटलमेंट की जो है क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपके जो है कई फोर्थ में इसको पढ़ा जाएगा। और अर्बनाइजेशन जो है वो आपकी सिलेबस की 5वीं यूनिट में दिया गया है। अभी हम ये देख लेते हैं कि अर्बन सेटलमेंट से हमारा क्या तात्पर्य है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसे सांस्कृतिक भूदृश्य जो कि नगर की विशेषताएं रखते हैं उन्हें नगरीय अधिवास कहते हैं। रूरल सेटलमेंट में हमने देखा कि इसके अंतर्गत हम उन अधिवासों को सम्मिलित करते हैं जिनमें ग्रामीण विशेषताएं पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं वो हमने डिस्कस की। इसी तरीके से हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि रूरल सेटलमेंट सॉरी अर्बन सेटलमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि ऐसे सांस्कृतिक दृश्य या ऐसे आवासों के जो समूह जो कि नगरीय विशेषताएं रखते हैं उन्हें नगरीय अधिवास कहते हैं। नगर या सिटी शब्द की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो है वो रोमन साम्राज्य में किया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक सुविधा रखने वाले जो अधिवास थे उनके लिए जो है सिटी शब्दावली का प्रयोग हुआ था। वर्तमान की यदि हम बात करें तो सिटी शब्द जो है वो ब्रिटेन में मुख्य रूप से जो गिरजाघर या चर्च के प्रभाव वाले जो क्षेत्र थे उनके लिए किया जाता था। वर्तमान में जो है जनसंख्या अध्ययन के अंतर्गत नगरीय प्रवृत्ति यदि बढ़ रही है तो वो विकसित समाज की हमारा समाज जो है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है या उसका जो है इसे परिचायक माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि नगरीय अधिवास जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण संबंधी विशेषता। प्रारंभिक प्रकार के मानव ने जब ग्रामीण अधिवासों को नगरीय अधिवासों में परिवर्तित कर दिया तो यहाँ पर सीमेंट या कंक्रीट से जो बने हुए जंगल स्थापित हो गए। मतलब यहाँ पे सीमेंट के जो मकान अधिवास आवास जो है उनका निर्माण हुआ, जिन्हें हम अर्बन ज्योग्राफी में सीमेंट या कंक्रीट के जंगल जंगल कहते हैं। और इस प्रकार यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था वो पूर्णतया कृत्रिम वातावरण में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे जो पेड़ पौधे वनस्पति थी या फिर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम या नदी नाले जो थे उन सबको नष्ट करके मानव ने वहाँ पे जो है पक्के मकानों का निर्माण कर दिया। इस कारण यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो पूर्ण रूप से नष्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, कृत्रिम वातावरण में। इसलिए जो है नगरीय जो अधिवास में जो सीमेंट या कंक्रीट के जो जंगल हैं या जो पक्के मकानों का जो समूह है उसके लिए जो नगरीय उष्मादीप या अर्बन हिटलैंड शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नगरीय उष्मादीप या अर्बन हिटलैंड आइलैंड से क्या तात्पर्य है, तो नगरीय अधिवास में सीमेंट या कंक्रीट से निर्मित जो जंगल या आवासों के समूह हैं उन्हें नगरीय उष्मादीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जो जलवायु है या सॉरी यहाँ का जो वातावरण या पर्यावरण है वो प्राकृतिक पर्यावरण पूर्ण रूप से नष्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, कृत्रिम पर्यावरण में। यहाँ पे यहाँ के जो पर्यावरण में तेजी से डिग्रेडेशन या ह्रास हुआ है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सामाजिक विशेषता। नगरीय संस्कृति में रहन सहन खान पान आदि में हमें स्पष्ट रूप से विभाजन या विभेद दिखाई देता है, क्योंकि निम्न और उच्च वर्ग का जो रहन सहन है उनका खान पान है पहनावा है उन सब में अंतर पाया जाता है। और ग्रामीण अधिवास में अपने क्या पढ़ा था कि सामाजिक विशेषता जो है उसमें सामाजिक समानता पाई जाती है। शहरी जो संस्कृति है वो एकल परिवार प्रणाली या न्यूक्लियर फैमिली की इसमें जो है प्रधानता होती है।
यहाँ के निवासी जो है उनमें मिलनसारिता का अभाव होता है, दिखावेपन की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। एक यहाँ जो संबंध है वो कैसे होते हैं, औपचारिक प्रवृत्ति, उनमें जो फॉर्मेलिटी जो है वो ज्यादा होती है। ग्रामीण आदिवासों में हमने पढ़ा था कि उनके संबंध कैसे होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, अनौपचारिकता पाई जाती है, लेकिन शहरी आदिवासों या शहरी लोगों में औपचारिकता की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसके पश्चात हम देखें तो प्रकार्यात्मक विभेदन की प्रवृत्ति, कि कार्यों में भी काफी असमानता पाई जाती है। यहाँ के जो लोग काम कार्य करते हैं उनमें काफी विभिन्नता पाई जाती है। ग्रामीण आदिवासियों में हमने देखा था कि प्रकार्यात्मक समानता पाई जाती है, लगभग सभी लोग एक जैसे ही काम करते हैं। नगरीय आदिवासियों में ऐसा नहीं है, यहाँ में कार्यात्मक विभेदन पाया जाता है। नगरीय आदिवासियों में आवासीय दृष्टि से निम्न मध्यम या उच्च वर्ग के लोगों में स्पष्ट रूप से विभेदन या विभाजन दिखाई देता है। इन क्षेत्रों में खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, भारी व हल्के उद्योग भी अलग अलग क्षेत्रों में, व्यापारिक जो ठिकाने हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इसके अलावा जो है एक विशेषता हम देख सकते हैं, जनांकीय विशेषता। वैश्विक स्तर पर जनसंख्या संबंधी जो मापदंड है नगरों को लेके, ये निश्चित नहीं किए गए हैं। अलग अलग राष्ट्र में जो है उनकी अपनी सुविधा के अनुसार इनके मापदंड अलग अलग है। किसे हम नगरीय आदिवास कहेंगे, उसके लिए क्या जनसांख्यिकी विशेषता हम देखते हैं, ऐसा वैश्विक स्तर पे कोई मापदंड निश्चित नहीं है। उनकी मध्य जो विभाजन पाया जाता है अलग अलग राष्ट्रों में, ये मापदंड अलग अलग है। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो 5,000 से अधिक जनसंख्या जिन आदिवासियों में निवास करती है उन्हें नगर घोषित करते हैं। अति सघन एक तो हो गया जनसंख्या का जनांकी में, कि 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो आवास हैं, अधिवास हैं, वो नगर कहलाएंगे। इसके अलावा उनका जो जनसंख्या घनत्व है वो 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक होना चाहिए। दूसरी विशेषता ये हो गई। तीसरी जो विशेषता है वो नगरीय आदिवासियों के लिए ये है कि वो कोई भी नगर निकाय वहाँ पे होना चाहिए, जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या आर्मी कंटोनमेंट एरिया। तो ये जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे उसे जो है उस इस तरीके के आदिवास को नगरीय आदिवास कहा जाता है। इसके अलावा कि वहाँ की 75% जो पुरुष जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो ये भारत में 4 ऐसी विशेषताएं हैं जिन आदिवासियों में पाई जाती है, उन्हें नगरीय आदिवास कहा जाता है। एक तो 5,000 से अधिक जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक होना चाहिए, वो कोई नगर निकाय होना चाहिए वहां पर, और 75% से अधिक पुरुष जनसंख्या गैर कृषि या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। इस तरीके से जो नगरीय आदिवासियों की जो जनांकी की विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा नगरों में जो जनसंख्या वृद्धि जो है वो 3 प्रकार से होती है। एक तो प्राकृतिक वृद्धि जो कि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के आधार पर निकाली जाती है। दूसरी जो जनसंख्या में यहाँ वृद्धि होती है वो आप्रवासियों के कारण होने वाली वृद्धि। आप्रवासियों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जब नगरों में जाके बस जाते हैं तो वो नगरों के लिए क्या हुए, आप्रवासी हुए। तो इन आप्रवासियों के कारण भी नगरों में जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र का प्रसार, कि अधिसूचित क्षेत्र के प्रसार से हमारा तात्पर्य यहाँ ये है कि जो एरिया पहले ग्रामीण अधिवास में आता था अब वहाँ पे जो है नगरीय आवासों का निर्माण हो गया है और उनके मध्य उनके अंदर नगरीय विशेषताएं जो है निहित हो गई है, तो गवर्नमेंट उन्हें नगरीय उस नगर के अंदर सम्मिलित कर लेती है। उस नगर के जो परिधि क्षेत्र का विस्तार हो जाता है उसे उस नगर में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस तरीके से वहाँ के अधिसूचित क्षेत्र का प्रसार हो जाता है। तो ये 3 कारण जो है मुख्य रूप से हैं जिनके आधार पर नगरीय जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जो नगरीय अधिवास हैं उनकी विशेषता हो गई। एक तो पर्यावरण संबंधी, जिसमें यहाँ का जो पर्यावरण है उसका बहुत तेजी से, प्राकृतिक पर्यावरण का तेजी से विनाश हुआ है और चारों तरफ हमें कृत्रिम जो है वातावरण या पर्यावरण दिखाई देता है। सामाजिक विशेषता में लोगों के रहन सहन, खान पान, इनके मध्य स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है।
लोगों में औपचारिकता जो है, औपचारिकता की प्रवृत्ति अधिक होती है, मिलनसारिता का अभाव पाया जाता है। उच्च मध्यम और निम्न आय वर्ग के मध्य जो है प्रकारात्मक विभिन्नता देखने को मिलती है, और जनसंख्या संबंधी जो विशेषताएं जो है वो भी अलग अलग राष्ट्रों में जो है अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपकी फोर्थ यूनिट जो है इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है, कि इसमें हमने सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, रूरल सेटलमेंट के टाइप पैटर्न सारी चीज़ें पढ़ी, उनकी क्या होते हैं उनकी विशेषताएं, अर्बन सेटलमेंट क्या है उनकी विशेषताएं क्या है। अब जो है नगरीयता क्या है, अर्बनाइजेशन या नगरीकरण किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी नगरीकरण क्या, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं, उनके कारण क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये सब आपके सिलेबस की फिफ्थ यूनिट में है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।